फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमजे स्टार एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज इस स्टूडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 31 मई को हुए आरआरबी जेई की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज की शिफ्ट में रीजनिंग से प्रश्न पूछा गया था कि 1, 8, 27, 64 और 125 के बाद क्या आएगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, तो लास्ट 6 का क्यूब होगा। तो आपका आंसर इधर हो जाएगा 216। इसके बाद फ्रेंड पूछा गया था, एक ओडमेन आउट से एक प्रश्न आया था, ऐसा कुछ स्टूडेंट ने भेजा है, ओडमेन आउट का एक प्रश्न था। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था, एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ है। तो एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है फ्रेंड्स मणिपुर में है, वो भी लोकटक झील के ऊपर, मणिपुर लोकटक झील में, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था, रिटायरमेंट एज ऑफ CGI यानी रंजन गोगोई की रिटायरमेंट एज के बारे में पूछा गया था। फ्रेंड्स, रिटायरमेंट एज जो CGI की रिटायरमेंट एज होती है वो होती है 65 ईयर। अभी रंजन गोगोई फ्रेंड्स 64 साल के हैं, तो यानी वो अगले साल नेक्स्ट ईयर में रिटायरमेंट हो गए, यानी कि नवंबर 2020 के आसपास वो रिटायर्ड हो गए। तो आपका ऑप्शन में अगर 2020 होता हो, 2020 आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था, लक फ्रेंड्स एक क्वेश्चन था, लक बक्सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है। तो फ्रेंड्स, लक बक्सी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था, 20वीं सेंचुरी में कौन कौन से देश आज़ाद हुए थे। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन स्टूडेंट ने नहीं भेजा है। तो फ्रेंड्स, 20वीं सेंचुरी में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों देश आज़ाद हुए थे। तो आपका ऑप्शन में जो आंसर होगा वो आपको टिक करना रहेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था, बाबूलाल मुरनली ये किस स्टेट के पहले मुख्यमंत्री थे। तो आपको फ्रेंड्स याद रखना है, बाबूलाल मुरनली जो है वो झारखंड के पहले CM थे। और फ्रेंड्स, एक शिफ्ट में पूछा गया था कि झारखंड के ईस्ट में कौन सा स्टेट है। तो आपको वेस्ट बंगाल याद रखना है, झारखंड के ईस्ट में जो है वेस्ट बंगाल है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था, मून पर जाने वाला पहला स्पेस सेटेलाइट कौन सा था। तो Apollo 11 था, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था, बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी डे फ्रेंड्स 22 मई को बनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था, युवा श्री योजना किस राज्य द्वारा लागू की गई। तो फ्रेंड्स, युवा श्री योजना जो है वेस्ट बंगाल के द्वारा लागू करी गई, और ये योजना फ्रेंड्स ममता बनर्जी ने लागू की थी। इसके अलावा आपको रूपश्री योजना भी याद रखनी, ये भी वेस्ट बंगाल की ही योजना है। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था, संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में। तो आपको याद रखना, राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अध्यक्ष, और ये भारत के पहले प्रेसिडेंट भी थे। इसके अलावा फ्रेंड्स, सर्वपल्ली राधाकृष्णन वो पहले उप प्रेसिडेंट थे, यानी उपराष्ट्रपति थे भारत के। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था, नोबेल प्राइज से एक प्रश्न पूछा गया था, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था, राजस्थान के लोक डांस फोक डांस के बारे में पूछा गया था, राजस्थान का फोक डांस कौन सा है। तो आपको याद रखना है फ्रेंड, घूमर है, इसके बाद कठपुतली है, गेर है, ये राजस्थान के लोक नृत्य है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था, रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए। तो फ्रेंड्स, रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन जो है वसीम झापन ने बनाए, 10,000 रन से भी अधिक। और इस बार की रणजी ट्रॉफी जो है फ्रेंड्स विदर्भ ने जीती थी, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। तो फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। और फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति को केवल महाभियोग के जरिए केवल राज्यसभा से ही उपराष्ट्रपति के लिए फ्रेंड्स महाभियोग जो है वो केवल राज्यसभा में ही लाया जाता है, लोकसभा में नहीं। लेकिन राष्ट्रपति के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन से महाभियोग लाया जा सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था, पिंचिंग किस से जुड़ा है। तो पिंचिंग जो है फ्रेंड्स बेसबॉल से जुड़ा हुआ शब्द है। इसके अलावा फ्रेंड्स SICI से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और एक प्रश्न फ्रेंड्स कुछ परसेंटेज का ऐसा पूछा गया था कि आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना था, 5% दे दिया था, और टाइम दे दिया था 12.5, और इसका जो SI था वो दे दिया था 120। तो आपको प्रिंसिपल पूछा था, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, P × 5/100 करना था आपको, और 12 × 5 करके 120 करना था। तो फ्रेंड्स, ये इससे कटेगा 10 बार, 5 से 5 जाएगा, तो आपका प्रिंसिपल जो है फ्रेंड्स 1000 रुपीस आराम से निकल आएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था कि एक टैंक किसी टंकी को 2 घंटे में भरता है, और दूसरा टैंक के साथ एक छेद है, वो किसी टंकी को 7/3 में खाली कर देता है। तो छेद कितने
हवर में टैंक को खाली कर देगा। तो फ्रेंड्स ऐसा एक प्रश्न कुछ पूछा गया था, तो आपको कुछ नहीं, ए बराबर 2 लेना था, ये भर रहा है इसलिए इसको पॉजिटिव लेना था, और दूसरा जो है फ्रेंड्स वो भरते हुए नल के साथ एक को टैंक है ऐसा भी पूछा गया, तो ये 2 हो गया, और ए प्लस भी आपको लेना था कुछ 7/3। तो आपका फ्रेंड्स एलसीएम इधर 14 हो जाएगा, ये 7 ओवर में भर रहा है, और ये जो है फ्रेंड्स 6 में खाली कर रहा है। तो जो फ्रेंड्स खाली करता नल है वो 1 हवर की दर से टैंक को खाली करेगा, तो ये 1 हवर की दर से फ्रेंड्स खाली कर रहा है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 14 ओवर। कुछ 14 ओवर में जो टैंक के साथ जो छेद है वो टंकी को 14 ओवर के अंदर फ्रेंड्स खाली कर देगा, ये आपको याद रखना है। ऐसा कुछ प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था टाइम एंड वर्क से, एक प्रश्न पूछा गया था ऑल्टरनेटिंग वाला, कुछ इस प्रकार से पूछा गया था फ्रेंड्स कि ए किसी टंकी को सपोज एक्स डे में भर रहा है, बी किसी टंकी को वाई डे में भर रहा है, तो ए और बी ऑल्टरनेटिव कितने दिनों में भरेंगे, ऐसा कुछ एक प्रश्न था। इसके अलावा फ्रेंड्स मेंसुरेशन से एक प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा फ्रेंड्स समांतर चतुर्भुज के एरिया के से एक प्रश्न पूछा गया था। आपको कुछ नहीं, एरिया एरिया बराबर बेस इंटू हाइट लेना था, तो आपका आसानी से आंसर आ जाता, बेस इंटू हाइट लेना है। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था एक प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री से था फ्रेंड्स कि साइन ऐसा कुछ था फ्रेंड्स, साइन 47 अपॉन कोस 43 प्लस कोस 43 अपॉन साइन 47। तो फ्रेंड्स जैसा कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू जो होती है 90 होती है, तो इधर फ्रेंड्स इनकी वैल्यू 90 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1, और प्लस इनकी भी वैल्यू 90 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1, तो आपका आंसर जो है फ्रेंड्स 2 आ जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था 32 × 33 × 34 × 35 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो फ्रेंड्स जब भी यूनिट डिजिट में 5 और 2 हो तो आपको आसानी से यूनिट डिजिट जो है 0 लिख देना है, बिकॉज फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 5 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा, फिर 20 का 3 से करोगे तो 60 आएगा, 60 का करोगे तो 120 आएगा, तो आपको यूनिट डिजिट जो है तो 0 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल MG स्टार एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत मदद रूप साबित होगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट के एनालिसिस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।